राम राम, जय श्री राम। आज हमारे छत्तीसगढ़ अयोध्या पैदल यात्रा का 32वां दिन है और आज हम रुके थे द्वारकागंज के अंतर्गत आते हैं बाबूगंज, जो कि पुजारी टेंट हाउस है यहाँ पास में, आप देख सकते हो। और यही पास हम लोग रुके थे और हमारा व्यवस्था दादाजी ने किया था। दादाजी कार सेवा के समय अपने सेवा दिए थे पूरा यहाँ रह करके साथ में, और अभी तक सेवा देते हैं सभी राम भक्तों को। हमको भी सेवा दी है, स्नान दिए, सभी तरह कोई परेशानी होने नहीं दिया है, सभी तरह का सेवा दिए है। जय श्री राम दादाजी। तो राम राम, जय श्री राम। हम लोग निकल चुके हैं बाबूगंज से और आगे बढ़ रहे हैं भरत कुंड के लिए। वही भरत कुंड जहाँ भरत जी श्री रामचंद्र जी के खड़ाव को रख करके शासन किया था, वही भरत कुंड जहाँ हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के समय तीर बाण लगा था, वही भरत कुंड है जहाँ 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम का इंतजार किए थे। राम राम, जय श्री राम। अब सबको बोला था ना, राम राज आ रहा है, राम राज आ रहा है करके। पहले हम दो निकले छत्तीसगढ़ से, मैं और मेरे नारायण भाई, और आज देखो हम पांच हो गए हैं। दो भाई महाराष्ट्र से है और एक भाई से आज मुलाकात हुआ जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल से है। तो आइए जानते हैं और मिलाते हैं आपको भी कि कितने दूरी से आ रहे हैं और कितने किलोमीटर का सफ़र तय करके आ रहे हैं, कितने दिन हो गए चलते चलते। आइए जानते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई जय श्री राम, जय श्री राम जी। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? हम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के 150 किलोमीटर आगे से, एक वर्धा जिला है, वर्धा जिला की पुलगांव गांव से आ रहे हैं जी। और नाम भाई? अंकित विजयन जोरीकवार। और कितने किलोमीटर हो गए चलते आज? 900 प्लस हो गए ना टोटल। कितने दिन में हुआ ये? मतलब हम 2 तारीख को निकले हैं। हाँ। 2 तारीख से तो आज की 12 तारीख है। 12 तारीख। हाँ, 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए। हाँ। और ये भाई से मिलिए, नाम भाई? जय सियाराम। जय श्री राम। हमारा नाम पंकज माहौर है, हम नागपुर से निकले हैं, नागपुर से 150 किलोमीटर पीछे से। हाँ। तो अब यात्रा चालू है। आप जी, मिले जी, हमें जी। और हमारे एक भाई मिले हैं जो है वेस्ट बंगाल से। तो जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई जी। वेस्ट बंगाल का हूँ, वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ। पुरुलिया से मेरा गांव वो 20 किलोमीटर दूर है। हाँ। मैं तो वहाँ, तो मेरा नाम वेस्ट बंगाल पुरुलिया से गांव है। और कितने किलोमीटर पड़ेंगे आपके यहाँ से? सर अभी तो मैं आज तो 1400 प्लस हो गया, बट कंफर्म नहीं जानता। 1400 प्लस हो गए हैं। कितने दिनों में सर निकला हुआ है? 14 दिन प्लस। मैं 26 तारीख को निकली थी गाँव से, इसलिए आज तक मेरा 13 तारीख। तो देख सकते हो दोस्तों, 1400 प्लस हो गया है 13-14 दिनों में। भाई तो रॉकेट की तरह भाग रहे हैं, है ना? तो फिर मिलते हैं आगे। जय श्री राम। और हम पांचों भाई जा रहे हैं एक साथ अब अयोध्या नगरी, और कुछ ही दूरी का सफर अब बाकी रह गया है, 40-50 किलोमीटर का, और आगे हमारा पड़ेगा भरत कुंड। तो आपको भी दिखाएंगे वहाँ जा कर के। तो जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम दोस्तों, अभी हम लोग निकले हुए हैं छत्तीसगढ़ से अयोध्या पैदल यात्रा, और अभी शाम हो गया है। जैसे हम लोग चल रहे थे वैसे हमारे ऐसे एक भैया से मुलाकात हुआ जिसका नाम है गणेश कुमार जी, जो कि महाराष्ट्र से साइकिल यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है भैया कि भैया जी साइकिल से यात्रा करते आ रहे हैं, पैर से विकलांग है। भैया जी से हम लोग मिलाते हैं क्योंकि भैया जी के साथ एक घटना घटी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो व्यक्ति किया है उसको भगवान नर्क भी जगह मत दे। इसके साथ क्या क्या किया है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और बताऊंगा। जो भैया जी है वो पैर से विकलांग है, और इन लोग भैया में देखो कि राम के प्रति इतना भक्ति है कि भैया विकलांग होने के बावजूद भी साइकिल यात्रा करते हुए महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और भैया जी के साथ आज एक घटना घटा है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो व्यक्ति ऐसी घटना में लिप्त है उसको भगवान नर्क में भी जगह मत दे। मैं भैया जी से सबसे पहले परिचय लेना चाहूँगा और कहाँ से आ रहे, कब से निकले हैं। भैया जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं गणेश कुमार गणेश कुंडे बोल रहा हूँ, और मैं दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से वरुड़ आया हूँ, वरुड़ से ये सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में मेरा मीडिया वालों ने सारी बाइट वगैरह ले ली,
वहाँ से निकलने के बाद मैं 10-15 किलोमीटर बाहर आ गया। उसके बाद मैं एक जंगल की फ़ोटो लेने वाला था। इतनी देर में मैंने किसी से कुछ मांगा तो है नहीं, वो तो लोग खाना खिला रहे थे, मैंने खाना नहीं खाया, मीडिया वालों ने सारी बाइट ले दी। मैं रास्ते में बस मेरी एक गलती हो गई कि मैं वहाँ रुक के साइड में मैं बस जंगल की फ़ोटो लेने लग गया था। इतनी देर में मेरे लाइट वगैरह तोड़ दिए, साइकिल का पावर बैंक वगैरह तोड़ दिया, और मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। सारी दुनिया खाना खिलाती है लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। सारी दुनिया देने के लिए तैयार है फिर भी मैंने नहीं लिया। मैंने किसी से कुछ नहीं बिगाड़ा तो मेरे साथ कुछ मत बिगाड़ो। मैं रास्ते में चल रहा हूँ बस जंगल की फ़ोटो लेने वाला था। इतनी देर में मेरे लाइट वगैरह तोड़ दी, और यहाँ आने वाले ये कौन सा शहर है मुझे नहीं पता। इन्होंने फिर ये झंडी वगैरह लगा दी थी, मेरा ये बोर्ड तोड़ा हुआ इन्होंने जोड़ दिया, और लाइट मेरे पास है नहीं पावर बैंक में। तो देख सकते हो दोस्तों, ऐसे ही लोगों के साथ भगवान कहीं ना उसको बख्शे, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भैया जो कि पैर से विकलांग है और साइकिल यात्रा कर रहे हैं, भैया अपने सुविधा के लिए यहाँ लाइट लगा कर रखे थे उसको भी तोड़ दिए, पावर बैंक रखे थे मोबाइल चार्ज के लिए उसको भी तोड़ दिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जब आप लोग हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का कुछ बिगाड़ो भी मत। ऐसे लोग को मैं बोलता हूँ आपको साला नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भैया को जहाँ जहाँ से गुजरता है मैं सभी से निवेदन करता हूँ, गणेश जी का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और सहयोग करो, कहीं भी हानि ना करो। जबकि मेरे पास जी अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत काम गलत करेगा वो जाएगा। हम सब आपके साथ है भैया, कुछ नहीं होगा। हमें तुम चाहो बताओ काका जी, टेंशन लगा क्यों, हमें तुम चाहो बताओ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो जय श्री राम, हम लोग निकले हुए हैं अयोध्या पद यात्रा में, तो अभी जा रहे हैं भरत कुंड, और अभी हम लोगों का और बाकी है 10-11 किलोमीटर। शाम के 6 बज चुके हैं, छोटे दिन है इसलिए अंधेरा हो गया है। अभी 6 बजे हैं, हम लोगों को अभी 2-3 घंटा और लगेंगे वहां पहुंचने में, और वहीं पर हम लोग जाकर विश्राम करेंगे। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ मैं कि भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो उनको उनके खड़ग को रख कर वही भरतपुर में तब किए थे, वेट किए थे हमारे श्री राम के, और वहाँ से आने के बाद प्रभु श्री राम के आने के बाद जो दशरथ जी है, राजा दशरथ जी उनके पिता, उनका वहाँ पर पिंडदान किया था जो, और उसी के नाम से भरत कुंड बनाया गया, जो कि पिंडदान करने के लिए भरत कुंड बनाया गया है। वो नाम भरत जी ने बनवाया था इसलिए भरत कुंड के नाम से पड़ा है। और एक चीज़ बता दें आपको, चाय बनाओ सबके लिए। जैसे कि बताया जाता है कि भगवान विष्णु जी का एक पैर गया जी में है तो एक पैर उसका भरत कुंड में है, नंदीग्राम में है ना। तो फिर अब जाने के बाद पता चलेगा, और अब सबको भी दिखाएंगे। आज तो रात्रि हो जाएंगे, कल सुबह मिलते हैं। तो फिर जय श्री राम।